शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी, तेरा लाल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। हर साल शकुन ले आउंदा, हर साल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। तेरा लाल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। हर साल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया पग देंदा, ओ कन्ने पग देंदा, कन्ने पग देंदा रेला आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। कन्ने पग देंदा रेला आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। हर साल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया।
ਦਾ ਸ਼ਗੁਨ ਸ਼ਰਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਲਈ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰਾ मैं शगुन शर्मा और आज जो चिट्टो यात्रा अब किश्तवाड़ में जो अरोड़ा जी द्वारा लंगर की व्यवस्था और श्री गुरु महाराज जी की तरफ से सरपुर मंदिर की जो व्यवस्था की गई इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आगे के जो हम आज सोल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो सभी पर चढ़कर भाग लें और इस यात्रा का आनंद लें और अपनी मनोकामनाएँ करें। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी जिन्होंने भी चिट्टो पर माता का जो सरपुर मंदिर में लंगर दिया है श्री अरोड़ा जी की अगुवाई में, तो सभी का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माता रानी इनको दिन दुखनी रात चौगनी तरह जयकारो माँ चिट्टो वाली दा, जयकारो माँ बाबे वाली दा। मन भगती दे रंग चलगोंदा चिट्टो मैया जोत तेरी, मन भगती दे रंग चलगोंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। हर साल शगुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। Oh,
जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, किस जिंदगी की खातिर ये शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौकों की कि मेरी जिंदगी भी बात यात्रा का प्रबंध यहाँ पर किया है और भारत माता की जय हो, माता रानी इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और इनकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण करे और सभी हमारे जवानों की, हमारे भाइयों की, इनके प्रति हमारी संवेदना, हमारे पूरी माता रानी की तरफ से इनको आशीर्वाद प्राप्त हो जिन्होंने इतना अच्छा भव्य स्वागत इस जोत यात्रा का किया। जय माता दी, जय ये शुक्र शर्मा जी थे जो जम्मू से चिट्टो की यात्रा लेके आए। इसी तरीके से महमूल सिंह मनास कास्तीगढ़ डिस्ट्रिक्ट डोडा से, देवी शक्ति भवन सारस से ये छड़ी यात्रा जो आई हुई है, शक्ति माता बिंदारी मंदिर लोकीनाथ की यात्रा आ रही है। ये कम से कम 22 साल हो गए इस यात्रा को चलाते हुए हमें और इस रास्ते से आते हुए आज बड़ा अच्छा शुभ दिन है। सारी चीज़ें तो शुगन जी, मेरे भाई शुगन जी बता चुके हैं और हम शुगन के रूप में नहीं देखते, सिंहासन माता चिट्टो की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन शक्ति माता गंडारी मिंदल और त्रिलोकीनाथ भोले बाबा चंडी माता मचेल वाली आज जो मिलन हुआ यहाँ पर, बड़े दिन से एक हमारा एक संकल्प था कि ये यात्रा तो चल रही है लेकिन कभी चिट्टो वालों के बाद पिछले साल आप आए किश्तवाड़ से खूब मंदिर में रुक गए और हम गुलाबगढ़ में जाकर रुके, लेकिन अभी कभी हम कभी आप और आज जो मिलन है, मैं इस मिलन को बरकरार रखना चाहूँगा कि जब तक हमारा एकजुट ना हो, एक मुट्ठी ना बने, तब तक हमारा सनातन आगे चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज बड़ी खुशकिस्मती है, मिंदल शक्ति माता गंधारी वाली चंडी मचेल और त्रिलोकीनाथ भोले बाबा और शक्ति माता गंधारी और सिंहासन माता, इसी तरीके से आज जो मिलन हो रहा है, मुझे लगता है कि पूरा संसार आज इकट्ठा हो गया और शायद देवी देवते भी ऊपर से फूल बरसा रहे होंगे और इंडियन आर्मी की के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम और जाकर के आगे दुआ करेंगे, ये चिट्टो में जाके करेंगे हम, शक्ति गंधारी मिंदल और त्रिलोकीनाथ में जाकर के करेंगे कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने हमारा सहयोग करके, हमारा साथ दे करके हमारा हौसला बढ़ाया है, इसी तरीके से माता रानी इन जवानों के परिवारों को सुख शांति दे और खुशी से फले फूले और इसी तरीके से ये आगे भी सेवा करते रहे। बात माता की, बात माता की, बात माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, बोल सच्चे दरबार की जय, सलाम सिंह समाज का, बोल सच्चे दरबार की जय, करा चंडी परिवार का, बोल सच्चे दरबार की जय, मैं ले लिया गुलशन को, एक मिनट को गुलशन खींचे फोटो। मैं सगुन शर्मा गाड़ी आठ कर
रतन सिंह परिहार की तरफ से यह जो मंदिर की व्यवस्था की गई जो पूरे गाँव की हरियाणा में, तो हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनको माता रानी दिन दुगनी रात चौगुनी। हर साल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी, सेवा करी करी ओ सेवा करी करी, सेवा करी करी मन खुश होंदा चिट्टो मैया जोत तेरी, सेवा करी करी मन निपरोंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। हर साल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। नवाओ मत्था टेको फूल चढ़ाओ, इस जोत की शीश नवाओ मत्था टेको फूल चढ़ाओ, चिट्टो मांदी में मांगाओ। मन मंगया हो मन मंगया इथे मन मंगया बर चोंदा चिट्टो मैया जोत तेरी, मन मंगया पर थोंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। तेरा लाल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी, हर साल शकुन ले आउंदा, हर साल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी। तेरा लाल शकुन ले आउंदा चिट्टो मैया जोत तेरी, हर साल शकुन ले आउंदा।
सानू चरणी ना आए। तेरे शुक्र गुजार हामा सानू चरणी ना आए। दुनिया दा हर सुख मां साडी चोली पाया है। तेरे दर तो मां सानू मिल जांदा, तेरे दर तो मां सब मिल जांदा, असी जो बिछाया है। तेरे शुक्र गुजार हमा सानू चरणी लाया है। दुनिया दा हर सुख मां साडी चोली पाया है। सानू चरणी लाया है। दुनिया दा हर सुख मां साडी चोली पाया है। तेरे शुक्र गुजार हमा सानू चरणी लाया है। सानू चरणी लाया है। दुनिया दा हर सुख मां साडी चोली पाया है। तेरे शुक्र गुजार हमा सानू चरणी लाया है। सानू चरणी लाया है। दुनिया दा हर सुख मां साडी चोली पाया है। तेरे शुक्र गुजार हमा सानू चरणी लाया है।
आदत बिच बोलने सिंहासन माता चिट्टू जो है ये प्राचीन काल की माता है। यहाँ पर पहले जब से यहाँ आबादी जो बुजुर्गों ने यहाँ जहाँ स्थान बनाया है तो ये चिट्टू माता को ऐसी माता ने महाशक्ति जो है ये वहीं से क्या कहते हैं एक बूढ़ी के घर में यहाँ पर पहाड़ी में ये पिंडी के रूप में निकले हैं और वहाँ पर उस जो बूढ़ा था बूढ़ी थी उन्होंने कहा भाई हम इन इसका और मिंदल माता का थोड़ा क्या कहते हैं हिस्ट्री सेम ही आ रही है क्योंकि वहाँ चिट्टो माता भी जब निकली तो मिंदल माता जो है वो बीच में क्या कहते हैं वो चूल्हे के अंदर से निकले है लेकिन ये चिट्टो माता सिंहासन माता जो ये पहाड़ी के अंदर ये जो वहाँ पुरानी जो कोठा है पहाड़ी पहाड़ी के अंदर क्या कहते हैं वहाँ पिंडी निकली है और जब ये पिंडी निकली तो वहाँ एक बूढ़ा था एक बूढ़ी थी जिनको क्या कहते हैं उन्होंने कहा वो माता उनको सपने में आई रही थी लेकिन उन्होंने कहा माता हमारे पास जगह नहीं है हम आप इस अपनी जगह जो मंदिर को दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे दरबदर हो जाएंगे। तो फिर या वहाँ पर दूसरे दिन माता ने फिर क्या कहते हैं उसको सपने में बताया कि चलो मैं आपको बख्श देती हूँ सुबह तमाम गांव वालों को बुला के जितने भी चिट्टो उस वक्त प्राचीन काल में कितने लोग होते हैं होंगे 5-7 घर। तो वहाँ पर फिर माता ने जो उसको सपने में दिखाया वो माता ने कहा कि ये जो पहाड़ी के अंदर जो पिंडी निकली है वहाँ
उसके नीचे जो है नीचे आपने धूप डालना है और धूप डालकर जहां वो धूप का धुआं निकलेगा वहां मेरा मंदिर बनाना और सबको बुला के और गांव के जितने लोग उनको बुलाओ बुला के ताकि जब वो धूप का धुआं जहां निकलेगा वहां माता मेरे जो है आदेश वहां मंदिर बनाना। उसने दूसरे दिन सपने के बाद लोगों को बोला, उन्होंने कहा शायद बूढ़ी पागल या बूढ़ा पागल हो गया, लेकिन उसने कहा जी माता ने कहा, उन्होंने कहा चलो इसका। फिर वो सब जमा हुए और जमा होने का ये उसके बाद जहां धूप डाला था, धूप जहां डाला था उसके 20 मीटर ऊपर वहां पर भी क्या कहते हैं पत्थर था, पत्थर को फटकर वहां धुआं निकला है धूप का। और फिर वहां सबने जब वो धुआं देखा वहां पर माता पिंडी रूप पर खुद बैठी है और पूरा जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसा मंदिर कोई नहीं है जिसको क्या कहते हैं माता पर्दे के अंदर है, माता का दर्शन नहीं है। अब वहाँ मूर्ति जो डाली है 2-3 साल पहले, लेकिन एक बात है कि वो मूर्ति जो अब क्या कहते हैं दो, लेकिन वहाँ पर पर्दे का दर्शन है। वहाँ पर्दे के पीछे जो है माँ भगवती ने कहा मेरा कोई रूप नहीं होगा, मेरे पर्दे का दर्शन होगा और महाशक्ति जो है इसका एक चमत्कार आपको मिलेगा तत्ता पानी में। तत्ता पानी जो है वहाँ जो वो पानी जो वो कोई सिंपल पानी नहीं है, वहाँ माता का स्वयं शेषनाग जो मचेल माता से होकर आया, फिर चिट्टो माता भी उसको स्थान ने मिला। माता ने कहा चिट्टो माता ने कहा तथा पानी आपकी जगह है और जो शेषनाग और सिंहासन माता है उसने कहा मेरा और आपका एक मेला होगा और वो पानी जो है वो बावली जो है जिस डल ले वो अगर हम जाएंगे वो सड़ जाते हैं उसमें जल जाएंगे, लेकिन चिट्टो माता के 9 आदमी रात को उसके बीच में जाते हैं। उस डंडे को कोई आदमी उखाड़ नहीं सकता है सिवाय उनके, वो उसके बीच में जाते हैं और उसको बावली को साफ करते हैं। तो माँ भगवती चंडी चिट्टो माता जो है इसके दरबार में जो भी आएगा मेरा मन, मैं खुद क्या कहते हैं नहीं मानता था, मुझे बच्चे नहीं होते थे, मुझे पहले मैंने शादी की उसको बच्चे नहीं, फिर मैंने दूसरी शादी की, फिर 5 साल उसके बाद महाशक्ति जब मैं चिट्टो माता गया तो वहां पर माता ने कहा मैं दूंगी, कौन देने वाला है। तो उस महाशक्ति तब से लेकर मैं 15 साल उस चिट्टो माता का प्रेसिडेंट रहा और उस वक्त सब लोगों को पता था वहां रहने सहने का कोई जगह नहीं थी। अब महाशक्ति की यह दया है कि माता ने अपना जो मंदिर अपना भगत ये छड़ी जो है छड़ी माता की चशोती से आती है, सब संस्था ने फैसला किया और जो है डिगियाना शगुन शर्मा जी डिगियाना से लेके आते हैं, इन्होंने अब यकम से स्टार्ट किया क्योंकि माता का अब क्या कहते हैं रश बड़ा होने लगा। रश की वजह से भगवती ने ऐसा आदेश दिया कि मेरी छड़ी जो है वो यकम जुलाई को आएगी और मेरी जो छड़ी चशोती से वो 7 जुलाई का आगे। राठौर जी आपसे जानना चाहिए किस तरह से रूपरेखा रहने वाली आगे जो यात्रा आगे, मैं तो पहले सरकार से अपील करूंगा कि कम से कम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस चिट्टो माता को और इस मचेल माता, मचेल क्या पाडर ये देव भूमि है, चिट्टो माता हो काली माता सोल हो या मचेल माता हो, इधर शिव धाम यात्रा भी जाती है, लिगरी में शीतला माता यात्रा जाती है, हग्योट माता यात्रा जाती है, उसके बाद यहाँ सुनगल माता जाती है। अब गंधारी में महाशक्ति का ऐसा चमत्कार है कि माँ भगवत जहाँ चंडी पदर कहते हैं चेला जब चौकी में बोलते हैं कि हाय मिंदल भटवास, मिंदल उधर आ गए भटवास गंधारी आ गए, तो माँ भगवती का एक बड़ा अपार शक्ति है अपार दया है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं खास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो किश्तवाड़ है एक ईमानदार ऑफिसर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पाडर जो है इस पाडर को टूरिज्म मैप के साथ साथ जोड़ा जोड़ी शादी करने के लिए अगर चला गया तो उसको पुलिस उस दौर में बहुत तंग, लेकिन उस वक्त का जो मेन यहां पर कोर्ट होता था जो ऊपर वाले का कोर्ट और जो आदमी चिट्टो पहुंच गया उसको सरकार की तरफ से कोई भी क्या कहते पाबंदी नहीं होती क्योंकि वो महाशक्ति। और एक जब यहाँ किसी जमाने में कहते चोरी होती थी तो कोई पुलिस में नहीं कोई अदालत में क्योंकि नहीं था वो सिस्टम, तो लोगों को एक डर दिखाया था कि अगर ये चोरी हम बरादरी फैसला करती थी कि अगर ये चोरी आप किसी ने गलती से की है सोना कंबल वगैरह कोई ऐसा पैसा और रात को क्या कहते हैं कोठे पर फेंक लो, अगर नहीं फेंकते फिर मैं जी सुबह चिट्टो जाऊं, जैसे आज डाला देते हैं यार अगर नहीं कुछ देते हैं तो फिर मैं FIR लाज करूंगा, उस वक्त वो कोई नहीं था। उस वक्त